हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज मानसी. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये वाला करवा चौथ मेकअप लुक. बहुत ही इजी मेकअप लुक है. आप इजीली घर पे इसको अच्छे से ट्राई कर सकते हैं. मैंने बहुत ही सिंपल आई मेकअप रखा हुआ है इसमें, जो कि बिगनर्स है वो भी इजीली इसको कर सकते हैं. ये मैंने झुमका पहने हुए हैं. तो ये मेकअप लुक देखने के लिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस. यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है गुड वाइब्स का रोज़ेप सीरम. मैं इसको अच्छे से अपने फेस पे इसको मसाज कर लूँगी. मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा बेस फ्लॉलेस नहीं दिखता है. गाइस, नेक्स्ट लिया मैंने पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र. इसको मैं अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लूँगी, अपने मसाज कर लूँगी अपने पूरे फेस एंड नेक पे. गाइस, नेक्स्ट लिया है मैंने ये स्विस ब्यूटी का पर्ल प्राइमर. इसमें कुछ छोटे छोटे गोल्ड पार्टिकल्स भी हैं इस प्राइमर में, और बहुत ही अच्छा प्राइमर है ये. बहुत ही स्मूथ पूरे बेस को इतना स्मूथ बना देता ना कि आपका फाउंडेशन बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाएगा इस पर. बहुत अच्छा प्राइमर है ये. गाइस, मैंने नेक्स्ट लिया है इनसाइड का कंसीलर, 2x कवर कंसीलर. मैं इसको अपने पिगमेंटेशन वाले एरिया पे इसको अप्लाई करूँगी. विद द हेल्प ऑफ द ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से. नेक्स्ट लिया मैंने इनसाइड का अल्ट्रा थिन सेकेंड स्किन फाउंडेशन. बस इस फाउंडेशन में एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा वाटरी है. आपको बहुत केयरफुली इसको अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके कपड़ों पे गिर जाएगा. तो मैंने इसको पहले लेकर फिंगर से ब्लेंड किया, थोड़ा सा स्प्रेड किया पूरे फेस पे. विद द हेल्प ऑफ द ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसको पूरा ब्लेंड कर लिया है. गाइस, नेक्स्ट लिया मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट. मैं जहाँ जहाँ मैंने कंसीलिंग किया वहाँ पूरा बेक कर दूँगी उस जगह को, जैसे क्रीज लाइन ना आए, और अपने फेस को मैटिफाई करने के लिए भी बेकिंग की जाती है. तो मैं पूरे फेस पे भी इसको अप्लाई करूँगी अपने बेस को मैटिफाई करने के लिए. गाइस, नेक्स्ट लिए मैंने लोरियल के ब्रो आर्टिस्ट जीनियस किट. इससे मैं अपनी आईब्रो फिल कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द एंगुलर ब्रश. फिर विद द हेल्प ऑफ दिस पूली मैं जो भी प्रोडक्ट है इसको इवनली स्प्रेड कर लूँगी अपने पूरे आईब्रो में. फिर मैंने ली है ब्यूटी ग्लेज की कलर पैलेट, और इसमें से लाइट रेड शेड मैंने, सॉरी रेड नहीं है, ये मैंने ऑरेंजी शेड मैंने अप्लाई किया है बेस अपनी क्रीज लाइन पर डेप्थ क्रिएट करने के लिए. अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी मैं. नेक्स्ट मैंने कलर लिया है रेड कलर, जो कि मेरी आउटफिट का कलर है. इसको भी मैं उसी क्रीज लाइन पे बिल्ड करूँगी, और इवनली पूरे लेट पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, स्प्रेड कर लूँगी इसको. नेक्स्ट मैंने लिया स्विस ब्यूटी की अल्टीमेट शेडो पैलेट. इसमें 9 कलर्स है. इसमें जो एक शिमर शेड है ब्रॉन्ज गोल्डन है ये. मैं इसको विद द हेल्प ऑफ द फिंगर अपने मिडल ऑफ दी लिड पे अप्लाई करूँगी. बहुत ही सिंपल आई मेकअप है, कोई भी इजीली इसको कर सकता है. फिर मैंने ली है इनसाइड की डुओ स्टिक, जिसमें कॉन्टोर और हाइलाइटर दोनों हैं. और मैंने पूरे फेस पे कॉन्टोरिंग कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ इनसाइड डुओ स्टिक. नोज़ की भी कंटूरिंग करूँगी मैं इसमें. फिर मैं ब्रश की हेल्प से इसको पूरी ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से. ये स्टिक की एक ही खासियत है कि ये बहुत ईजिली बहुत ही जल्दी ब्लेंड हो जाती है. फिर मैंने लिया NYB शक्ति का लाइनर. मैं लाइनर ड्रॉ कर लूँगी, छोटा सा विंग ड्रॉ करूँगी, ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं लगाऊँगी मैं.
फिर मैंने लिए एले कलर्स की चीकी ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट। इसमें से मैं ब्लश लूँगी और अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही लाइट ब्लश मैंने लिया है, मैंने ज़्यादा डार्क नहीं लिया है क्योंकि मेरा आई मेकअप बहुत ज़्यादा बोल्ड है। इसमें दोनों चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी। अब मैं विद द हेल्प ऑफ द कॉम्पैक्ट मैं जो मैंने कंटूरिंग की थी उसको थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए अप्लाई करूँगी। फिर मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का ये लिप लाइनर। मैं इसे अपने लिप लाइनर्स की हेल्प से आउटलाइन ड्रॉ करूँगी। फिर मैंने लिए ये लिपस्टिक जो है स्टेक वर्की की मिनी लिपस्टिक्स में से शेड नंबर 5। बहुत ही प्यारा रेड कलर रेड शेड है ये, इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। इसको फिर मैं विद द हेल्प ऑफ द वेगा आईलैश कर्लर अपनी आईलैश को कर्ल करूँगी और मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा जो कि वाटरप्रूफ है उससे अपने मस्कारा कर लूँगी। लोअर वाटर लाइन पे मैं थोड़ा सा ब्राउनी शेड लेकर इसको स्मच करूँगी और लास्ट में कोल अप्लाई करूँगी। गाइस मैं मेरी हाइलाइटर वाली जो क्लिप थी वो पता नहीं गलती से डिलीट हो गई है और आईलैश वाली भी क्लिप नहीं आई है। इसमें मैंने हाइलाइटर और आईलैशेस दोनों लगाए हैं। तो ये मेरा फाइनल लुक है फॉर करवा चौथ। ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें, सिर्फ दो कलर्स के साथ आप अच्छे से आई मेकअप इसको कर सकते हैं। रेड एंड गोल्डन मैंने इसमें लिया है और मैंने इसमें बन बनाया एक और आर्टिफिशियल गजरा लिया है। ये मेरा होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हूँ मानसी, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय।